हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर पे। तो मैं आज दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ कि आप amazon.in जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पे आप सेलर बनने के बाद प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अमेजोन पे एक प्रोसेस है जिससे आप आपके प्रोडक्ट्स अमेजोन पे ऐड कर सकते हैं। ये प्रोसेस तभी हो पाएगा जब आप अमेजोन सेलर सेंट्रल पे रजिस्टर्ड हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो मैंने ये न्यू टैब ओपन किया, वहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च करना पड़ेगा आपको अमेजोन सेलर सेंट्रल। तो ये पूरा वेब पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट अमेजोन सेलर सेंट्रल पे क्लिक करना है। ये आ गया आपका अमेजोन सेलर सेंट्रल का होम पेज। तो अगर आप अमेजोन के एक सेलर हो चुके हैं तो आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप नए कस्टमर हैं, नए सेलर हैं, तो आपको स्टार्ट सेलिंग करके साइन अप करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। तो या आप देख पाएंगे आपको अपने डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका अकाउंट यहाँ पे आ गया है और आप यहां से अभी लॉग इन कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है मेरा सेलर सेंट्रल का पेज है। तो यहां पे आपको क्या करना है कि ये ओपन होने के बाद यहां पे इन्वेंटरी नाम का एक आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो वहां पे आपको मैनेज इन्वेंटरी पे क्लिक करना है। ये स्टोर ओपन करने के बाद आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए आपके स्टोर का जीएसटी नंबर होना बहुत ज़रूरी है। आप जीएसटी नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से आप जीएसटी नंबर पा सकते हैं। आपको अगली वीडियो में आपको जीएसटी नंबर पाने की प्रोसेस में बताऊंगा। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए। तो मैंने अब नए प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐड अ प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करना है। हाँ, तो यहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम है कि आपको अगर प्रोडक्ट का नेम या उसका ASIN नंबर आपको अगर पता हो, यानी कि आप अभी फ्रिज टीवी ऐसा बेचना चाहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आप उस प्रोडक्ट का नाम एंटर कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर अभी देखिए टेलीविज़न हाँ ये देखिए अभी यहाँ पे ये डिश टीवी के पूरे ये देखिए यहाँ पे MI LED टीवी का एक ऑप्शन आता है। तो आपके स्टोर में अगर ये उपलब्ध है और आपको ये बेचना है ये वाला, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे बेच सकते हैं। तो मैं अभी क्या दिखाने वाला हूँ कि जो प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्टेड नहीं है, जैसे होम एंड किचन, होम डेकोर, पेंटिंग्स वगैरह जो आप खुद बनाते हो, तो वो आप ऐड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। ये देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे कैटेगरी ओपन होती है। तो आपको जो कैटेगरी में चाहिए वो आप ये देखिए अप्लायंसेस, बेबी, बैग्स ऑन वॉल्ड से बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी है। हाँ ये देखिए बहुत सारे हैं, जो कुछ भी आप बेचना चाहते हैं वो आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मुझे क्या चाहिए, मुझे अभी चाहिए पेंटिंग सेल करनी है मुझे। तो इसके लिए मैंने होम और किचन यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अभी पेंटिंग्स। तो यहाँ पे मैंने पेंटिंग्स टाइप किया, ये देखिए 6 मैचिंग कैटेगरीज फाउंड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप होम फर्नीचर एंड डेकोर, यहाँ पे देखिए पेंटिंग्स लिखा हुआ है, तो ये सिलेक्ट कर लिया।
ये देखिए, ये पूरा आपको जो प्रोडक्ट ऐड करने हैं उसका डिटेल्स एंटर करने का पेज ओपन हुआ। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है, हाँ, तो अमेज़न अपने तरफ से एक प्रोडक्ट आईडी तैयार करके देते हैं। अगर प्रोडक्ट आईडी है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है प्रोडक्ट आईडी, यानी कि आपके पास पेंटिंग्स वगैरह जो प्रोडक्ट बाहरी दुकान बेच नहीं सकते, जो आपने तैयार किए हुए हैं, ऐसा अगर आपके पास आर्ट वर्क ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी नहीं होगा आपके पास। तो यहाँ पे नहीं हुआ तभी ही GTIN पे क्लिक करना है, GTIN की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। हाँ, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आइटम का नेम, अभी आपको क्या आइटम, मेरा तो पेंटिंग्स है तो मुझे पेंटिंग का टाइटल जो है वो ऐड करना पड़ेगा। मेरा अभी एक देवी का पेंटिंग है तो मुझे यहाँ पे पेंटिंग ऑफ गॉडेस, हाँ, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इंडिया एंटर करना है, मेरी इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया। अभी ब्रांड, तो ब्रांड जो आप अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्रांड आएगा, लेकिन पेंटिंग जो है वो मैंने पेंट की है तो उसके लिए ब्रांड वगैरह तो कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे जेनेरिक टाइप, जेनेरिक मतलब कोई उसका कोई ब्रांड नहीं है। अभी मैन्युफैक्चरर, अभी आपके स्टोर का नाम क्या है वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे। अगर आप रेफ्रिजरेटर वगैरह ऐसा बेचना चाहते हो तो वहाँ पे, अगर आपका LG कंपनी का हो तो वहाँ पे LG आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैन्युफैक्चरर तो पेंटिंग के लिए मैं ही हूँ, तो इसलिए आपके स्टोर का नाम यहाँ पे रखना है। तो ये मेरी स्टोर का नाम है, आप अमेज़न पे जाके मेरे स्टोर से बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग मैंने अपलोड की है। तो वो अमेज़न पे जाने के बाद अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे एश आर्ट्स गैलरी, ASH ARTS गैलरी, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी पेंटिंग्स ख़रीदने को मिलेगी डिस्काउंट के साथ। सो प्लीज़ चेक करिए। हाँ, तो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, तो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर क्या है, आप आपके मन में जो है वो रख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी होती है कारण मैं पूरी के पूरी डिटेल्स पूरे सा ध्यान से बताता हूँ। तो अभी आपको मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, तो आप मेरे स्टोर का नाम एश आर गैलरी, तो यहाँ पे पार्ट नंबर ऑफ 001 ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, आपको अगर जो चाहिए वो आप डाल सकते हैं, 01 1001 ऐसा कुछ भी। हाँ, तो कलर मैप, कलर मैप तो है मल्टी कलर, पेंटिंग तो मल्टी कलर है। हाँ, यहाँ पे आता है अभी साइज, तो आपके पेंटिंग की जो साइज़ है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अभी मेरी पेंटिंग की साइज 36 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे जो है अभी इंक्लूडेड कंपोनेंट्स में क्या, कि जो जो आप पैकिंग करके देने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या है। अभी मोबाइल अगर आप बेचना चाहते हो तो वहाँ पे अंदर क्या क्या आएगा, चार्जर, हेडफोन, वारंटी मैनुअल ऐसा आएगा। तो यहाँ पे मुझे पेंटिंग इतना ही एंटर करना पड़ेगा। इंक्लोजर मटेरियल का मतलब ये होता है कि आपने जो पेंटिंग है कुछ भी तैयार किया हो उसका सोर्स क्या है, आपने किस पे वो तैयार किए। जो पेंटिंग है तो वो हैंडमेड पेपर होगा, अगर मोबाइल वगैरह हो है तो वो आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं। मॉडल नंबर, मॉडल नंबर का भी सेम जो आपके मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर है ऐसा ही आपको आपके मन का तैयार करके यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं एंटर करूँगा एश आर्ट गैलरी 01। ये पहली प्रोडक्ट है तो 01, दूसरी 02, 03 ऐसा करके आपको बढ़ाते जाना है। आइटम टाइप नेम क्या होगा कि आर्ट वर्क, देखिए यहाँ पे आर्ट वर्क आ गया। अभी अगला ऑप्शन क्या है कि आपको चूज करना है इज असेंबली रिक्वायर्ड। तो असेंबली का मतलब क्या है, असेंबली रिक्वायर्ड मतलब वो जोड़ना पड़ेगा क्या, घर पे जाने के बाद वो डिलीवर होने के बाद आपको वहाँ पे स्क्रू वगैरह ऐसा कुछ टाइट करके जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि पेंटिंग तो जोड़ने के उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट, मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट की जगह आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कस्टमर केयर नंबर लिख सकते हैं कंपनी का, या फिर आपका ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट डायमेंशन, तो
तो ये जो लेंथ है जो आपने यहाँ पे एंटर किया होगा सेम यहाँ पे आनी चाहिए 36, सेम लेंथ सेम विड्थ और सेम हाइट, तो 36, 27 और 36। तो यहाँ पे आपको जो आपका है माइल्स, यार्ड्स, पिकोमीटर, माइल्स, एमएम, इंच, फीट, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। यूनिटकॉर्न पेंटिंग तो है वो एक ही है मेरे पास, दो चार नहीं है। तो ये आपको क्या, आपका यूनिट काउंट टाइप का मतलब क्या होता है कि जो आपने यूनिट काउंट डाला है एक, ये काउंट में है मतलब एक ही नंबर है, या पाउंड में है, ग्राम वजन में आप डाल रहे हैं, या फुट में है, डिस्टेंस में, कैसे है। तो मेरा जो है एक काउंट है, तो मैंने काउंट डाला। तो यहाँ पे आपको अभी वेरिएशंस आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑफर, तो ऑफर पे क्लिक करने के बाद आपको पहले एक क्या देखना है कि ये जो है वो एडवांस व्यू पे आपको स्विच करना है। ये देखिए, तो इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये देखिए अभी स्टैंडर्ड प्राइस, जो आपको अभी किस प्राइस में पेंटिंग सेल करना है। तो मेरी पेंटिंग है 4900। तो इसके योग क्या है कि अगर आपके पास यूनिक आइडेंटिफायर कोड है, अगर आपके पास होगा तो आप एंटर कर सकते हैं, आपको चाहिए तो आप मन का भी डाल सकते हैं, नहीं तो अमेजोन खुद की तरफ से तैयार करके देंगे। तो अगला यहाँ पे आता है कि सेल स्टार्ट डेट, अगर आपको आपके प्रोडक्ट पे कोई सेल डालना है कि हाँ एक 5 दिन का सेल है, मेरे प्रोडक्ट पे 1000 रुपये की छूट है, तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सेल भी शेड्यूल कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप कर सकते हो या तो नहीं। हाँ अभी यहाँ पे आया क्वांटिटी 1, आइटम कंडीशन न्यू, ये प्रोडक्ट, ये अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो आप कर देते हैं। गिफ्ट रैप, अगर आपके पास गिफ्ट पैकिंग करके अमेज़न को देने के लिए आपकी स्टोर आपको चाहता है कि आप चाहते हैं कि दूसरों को, कस्टमर्स को आप गिफ्ट रैप करके देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके स्टोर कस्टमर्स को, जो अगर कस्टमर किसको गिफ्ट देना चाहता है, तो आप उस बिल के पीछे ही गिफ्ट का मैसेज टाइप कर देते। अभी प्रोडक्ट टैक्स कोड, ये अगर आप यहाँ पे एक कंपलसरी नहीं है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट टैक्स कोड वहाँ पे दिए गए हैं, देखिए। तो मेरा जो है वो है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टैक्स कोड। हाँ ऑर्डर क्वांटिटी तो एक ही है, तो एक। हाँ तो ये सब है। और ये जो रेड बॉक्स में आता है वो कंपलसरी होता है, वो आपको एंटर करना ही पड़ता है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल लिखा हुआ है, आई विल शिप दिस प्रोडक्ट माय मैसेज। अगर ये मर्चेंट फुलफिल्ड, अगर आप आपके प्रोडक्ट को शिप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, या फिर अमेजोन विल शिप, अमेजोन आपके प्रोडक्ट को शिप करेगा, या फुलफिल्ड बाय अमेजोन या मर्चेंट फुलफिल्ड। तो मैं जो मर्चेंट फुलफिल चाहिए, तो मैंने मर्चेंट फुलफिल किया। अभी कॉम्प्लायंस, तो यहाँ पे क्या है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप ये एंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट मोबाइल वगैरह है, ये बैटरीज, इन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में से कुछ है, तो आपको ये सब एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा बैटरी वगैरह उसका है। तो आप यहाँ पे करना चाहते तो यह करिए, कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं। ये एडवांस व्यू पे आया है, अभी ये है इमेजेस, ये आपको एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इमेजेस आपके अपलोड करते हैं तो आपके प्रोडक्ट का क्या होता है कि लोग ज़्यादा देखते हैं कि जिसमें इमेज है वगैरह, तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स। ये देखिए, व्हेन मल्टीपल सेलर्स सेल सेम प्रोडक्ट टू अ सिंगल डिटेल पेज, वी कंबाइन प्रेजेंट द बेस्ट प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि अगर 4-5 दुकानों ने एक ही प्रोडक्ट बेचा, तो अगर देखो 15 दुकानें हैं, उन्होंने सेम मॉडल का, सेम रेफ्रिजरेटर, सेम कलर का बेचना शुरू किया, तो अमेज़न क्या करता है कि वो सारे के सारे रेफ्रिजरेटर एक ऑप्शन में लेता है, उस पर सारे सेलर के नाम ऐड कर देता है। तो आपको जो सेलर से लेना है वो ले सकते हैं, जो उसका कम से कम कीमत है वो आपको देता है। तो अभी यहाँ पे मुझे अपलोड करनी है फोटो, तो देखिए अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये आया मेरा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर। यहाँ पे देखिए, आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके जहाँ पे आपके प्रोडक्ट के फ़ोटो एडेड है, तो ये प्रोडक्ट है मेरा। हाँ ये देखिए, यहाँ पे लोड हो रहा है, यहाँ पे लोड होने के बाद यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का फ़ोटो जो है वो दिखाई पड़ेगा। ये देखिए लोड हो गया है,
तो आप जितने फोटो अपलोड करेंगे ना उतना आपके प्रोडक्ट की बिक्री के लिए अच्छा है, क्योंकि कस्टमर लोग क्या देखते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट अच्छा है, कैसे रिव्यूज़ है वगैरह लोग देखते हैं ज़्यादा। तो आपको अच्छे से अच्छे फोटो क्लिक करने हैं ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादातर देखें। तो ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको एंटर करना है कि जो आपके प्रोडक्ट कैसा है, मतलब मुझ मेरा क्या है कि हैंडमेड पेंटिंग ऑफ गॉडेस। तो आपको क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल में एंटर करना है ताकि कस्टमर लोग को कुछ कंफ्यूजन ना हो, वो आपके प्रोडक्ट को ठीक से समझ सके कि हाँ ये किसका ये सोर्स क्या है, कैसा है प्रोडक्ट का, इसका डायमेंशन क्या है वगैरह सब कुछ। हैंडमेड पेंटिंग, आपको अच्छे से आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। हाँ अभी आता है बुलेट पॉइंट। अगर आप अमेजोन पे चेक करेंगे तो आपको मैं एक एग्जांपल के लिए प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए अमेजोन एक कस्टमर की वेबसाइट है। हाँ ये देखिए एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अभी कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज में मैंने क्लिक किया। हाँ ये प्रोडक्ट मैंने चूज़ किया। हाँ अभी ये प्रोडक्ट उन्होंने ऐड किया है, जो फोटोग्राफ्स हमने अपलोड किए हैं वो यहाँ पे दिखेंगे, हमारा टाइटल है वो यहाँ पे दिखेगा। ये जो है वो पूरा का पूरा डिटेल्स जो आपने अभी भी मैंने एंटर किया था, ब्रांड डायमेंशन वगैरह वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ये जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन है कि आपको ये देखिए इन्होंने कितना बड़ा डिस्क्रिप्शन अपलोड किया है ताकि लोग समझ सके कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है और इसकी क्वालिटी कैसी है वगैरह। तो ये ऐसे आता है। तो आपको आपको अभी क्या करना है कि ऐसे डिटेल में सब कुछ इंटर करना है ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को ठीक से समझ सके। उनमें सेलर को ट्रस्ट होना चाहिए उसका सेलर पर, तो ही लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। हाँ अभी बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट क्या होता है यह मैं आपको सब अभी समझाता हूँ। ये देखिए ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। और अब ये देखिए यहाँ पे आपका ब्रांड का नेम, आइटम वेट, प्रोडक्ट डायमेंशन, ASIN नंबर, कस्टमर रिव्यू, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ तो अभी मेरे स्टोर का आपको दिखाता हूँ। देखिए 1 मिनट रुकिए। ये मेरा स्टोर है। आपको बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। आप तो कृपया मेरे amazon.in पे जाइएगा, .com पे नहीं, .in पे जाने के बाद आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मेरे। ये मैंने क्या किया है अभी देखिए, ये मैंने amazon.com ओपन किया है इसलिए ये सब कुछ डॉलर में दिखा रहा है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, amazon.in ओपन करना पड़ेगा, तो ही मेरी स्टोर जो है इंडियन प्रोडक्ट जो है वो amazon.in पे दिखाई पड़ेगी। ये देखिए .com हो गया था, ये .in कर दिया मैंने। हाँ ये देखिए ये भी ओपन हुआ। हाँ ये देखिए हाँ ये देखिए ये जो है मैंने पहले ही थोड़े प्रोडक्ट ऐड करके दिए हैं, तो ये जो है मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया है। हाँ तो ये देखिए ये प्रोडक्ट मेरा ही है, मेरा पेंटिंग है, मैंने सेल के लिए भी रखा है। हाँ तो ये देखिए ये जो है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है वो बुलेट पॉइंट की थी। यहाँ पे देखिए 3 बुलेट पॉइंट मैंने ऐड किए हैं, तो ये जो 3 है ना ये बुलेट पॉइंट है, ये लोग को ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होता है कि प्रोडक्ट कैसा है क्या है। तो बुलेट पॉइंट आप ऐड करना है यहाँ पे। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ हैंडमेड पेंटिंग।
जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा बुलेट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं उतना आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब ये करने के बाद यहाँ पे कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि क्या सर्च करने के बाद कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट दिखाई पड़ेगा। तो मेरा तो है पेंटिंग्स, तो मैंने पेंटिंग्स ऐड करी। फिर मेरा स्टोर का नाम ऐड किया। ऐसे आपको बहुत सारे ऐड करने हैं, बहुत सारे, जितना आप कर सके उतना आपको ऐड करना। ये मोर डिटेल्स में जाने के बाद ना, ये बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे पूछता है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको अगर करना हो तो ये आप एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप ये एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव एंड फिनिश, ये देखिए, योर अपडेट्स हैव बीन सेव्ड, पेंटिंग ऑफ गॉडेस यहाँ पे आपका दिखाई पड़ेगा। थोड़ी देर के 15 मिनट के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में आपका नया प्रोडक्ट दिखाई पड़ेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एक्टिव है। गॉडेस हैंडमेड वॉल आर्ट 3720। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। ऐसे आपका प्रोडक्ट ऐड करने है। तो अगर आपको मेरा वीडियो चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।